कौन से वाले, वो क्या कहते हैं, चेन रूल वाले क्या? रूल वाले dy बाय dx माने डी स्क्वायर वाई बाद हाँ, में डी स्क्वायर है। मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम वाले ना। हाँ सर मैक्सिमम। ओके ओके। आज ना मैं तुम लोग का एक क्या कहते हैं ग्रुप पे एक टाइम टेबल डाल दूंगा, ठीक है? दो तीन बच्चे शायद बाहर गए हुए, तो आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। देखो, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर हमारे पास ऐसे करके अगर एक ग्राफ है टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, और हमें क्या हमें क्या बोला गया कि ये जो ग्राफ है ना कर्व है, ये कैसा है कर्व है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। अब बोला गया कि ये कर्व है अगर, तो इसका एरिया बताओ क्या होगा। अब देखो, अगर हम याद रखना, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, फिजिक्स में, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। अगर हम स्लोप की बात करें, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो हम उसका स्लोप निकालने का तरीका सीख चुके हुए हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है। और स्लोप हमको देता है कि इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक नई बात करें, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो हमसे ये पूछा जाएगा कि इस ग्राफ में बताओ एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए तो मेरे को पहले यहाँ तो कोई, जैसे मान लो अगर कोई रेक्टेंगल होता है, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से ट्रायंगल बनता है, रेक्टेंगल बनता है, तो हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं ना, बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो यहाँ पे एरिया कैसे निकाले हम लोग, क्योंकि ये तो पूरा कर्व है और हमारे पास कोई कर्व का फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो हमें अगर यहां से लेकर यहां तक की अगर एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे ना एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, एकदम छोटा स्ट्रिप, इतना छोटा लेंगे ना कि ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये मुझे ऑलमोस्ट दिखता है एज ए स्ट्रेट लाइन, और ये छोटे से टाइम में ये मैंने क्या किया, हाइट ले लिया। मान लो ये ना XT ग्राफ नहीं, VT ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। VT ग्राफ में हमको एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, वैसे कोई भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे निकालने का तरीका तो सेम ही होगा। हमने क्या किया, देखा DT लिया और ये हमने हाइट ले ली यहां से देखी V, क्लियर। ये हमने हाइट कितनी यहां से ले ली, बी ले ली। आगे हम क्या देखेंगे कि यहां पे जो छोटा सा एरिया होगा ना, दैट एरिया विल बी गिवन एज डीए इक्वल्स टू वी डी टी, ठीक है। डीए कितना हो जाएगा, वी डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये वी डी टी के इक्वल आएगा तो आप ये पूछ सकते हो, सर ये तो कर्व है, तो कैसे हमने यहाँ पे इसको हमने मान लिया। तो देखो, इतने बड़े कर्व का छोटा सा पार्ट कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, मैं तुम्हें बोलूँ अगर कि अर्थ का शेप कैसा होता है, तो अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ से जाते हैं पार्ले पॉइंट अगर, ठीक है, तो या मान लो हम अगर सिटी लाइट से जाते हैं पार्ले पॉइंट, तो जो बीच की जो रोड है वो हमें फ्लैट दिखती है ना, सपाट होती है, ऐसा। तो ये जो सपाट होती है, क्यों सपाट होती है, अर्थ इतनी बड़ी है फिर भी हमको अगर हम छोटा सा हिस्सा देखेंगे तो वो हमको कैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है, ठीक है।
इन द सेम वे ये कर्व काफी बड़ा, लेकिन हमको जो छोटा सा हिस्सा वो कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, और इसका जो एरिया होगा ना वो क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल्स टू वी डी टी हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा वी डी टी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया वी के साथ और हमको क्या मिल गया, छोटा सा एरिया मिल गया। हम ऐसे ही क्या करते हैं, छोटे छोटे एरियाज को यहाँ बनाते चले जाते हैं, ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे स्ट्रिप लेते चले जाते हैं और हम लोग उसको एरिया को एडअप करते चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे एडअप करते करते हमें क्या मिल जाएगा, टोटल का टोटल एरिया मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो गया, ऐसे करके हम लोग उसको एडअप करते चले जाते हैं और हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। ये जो हमने काम किया ना, पहले हमने v को मल्टीप्लाई किया dt के साथ, ठीक है, और फिर हमने सबको जो एडअप किया, ये जो हमने दो काम किए यहाँ पे, क्या क्या काम किया हमने, पहले तो प्रोडक्ट निकाला दो चीजों का, फिर हमने उसको एडिशन किया, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन में क्या था, हमने पहले क्या कहते हैं डिवीजन किया था, ठीक है, फिर हमने उन दो चीज का क्या निकाला था, नहीं पहले हमने डिफरेंस निकाला था, फिर हमने डिवीजन किया, उसको हम क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन का मीनिंग। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस प्लस डिवीजन इक्वल टू, हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब अगर हमसे आगे पूछा जाएगा कि ये जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इसका मेन रोल क्या होता है, इसका मेन रोल होता है एरिया निकालने का। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो हम करते थे उसका मेन रोल क्या था, निकालने का, स्लोप निकालने का। एंड ये दोनों ही चीज हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देती है। इसका क्या काम होता है, स्लोप निकालना, और इसका काम क्या होता है, एरिया निकालना। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है मैथ्स में, जहाँ पे हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके प्रोडक्ट को हम लोग एडअप करते चले जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना पहले जल्दी से नोटबुक में फटाफट नोट कर जाओ। सर हो गया, हो गया ना। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, जो इंटीग्रेशन होता है, इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अब अगर जैसे कि मान लो हमने जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलाज पढ़ के रखे थे ना, वैसे इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, और याद रखना कि जैसे हमारे हमने अभी तक क्लास 10 तक के पढ़े थे चार ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन। ठीक है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे मल्टीप्लीकेशन डिविजन होता है एक दूसरे के अपोजिट। इन द सेम भी हमने दो नए और पढ़ के रखे हैं इस चैप्टर में, वो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता, तो मैंने बोला कि डी एक्स रेज टू एन, अभी हाँ इसको ना हम लोग थोड़ा सा इसका हम लोग थोड़ा सिंबल देख लेते हैं। ठीक है, पहले उसके बाद फॉर्मूला पे जाएंगे।
अब जैसे डी ए इक्वल टू बी डी टी, ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। याद करो जैसे हम लोग मान लो कि अगर ऐड करते थे एक्स आई, तो मैं लिखता था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इसकी ये सिंबल को हम लोग कहते थे समेशन। यहाँ भी एक तरह का एडिशन ही हो रहा है, समेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसका समेशन हो रहा है, छोटी छोटी क्वांटिटी का समेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो समेशन होता है ना उसका हम लोग सिंबल ऐसा नहीं दिखा करके ऐसा दिखाते हैं। देखो समेशन स्टार्ट होता है एस से, हमने एस को खींच के लंबा कर दिया और हमने ये सिंबल वहां पे ऐसा करके दिखा दिया और ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है, सांप जैसा ये लगता है देखने में। और ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं, ठीक है, और हमको एडअप करते करते क्या मिल जाएगा, एक बड़ी क्वांटिटी मिल जाएगी। सर तो ये बड़े एस का मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करना? हाँ, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है कि एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते दूसरे के साथ और हमको मिलती है छोटी क्वांटिटी। ऐसे करके छोटी 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 क्वांटिटी को हम लोग एडअप करते चले जाते हैं, इस एडिशन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर हो गया ना? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो और देख लो, यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेट किया ना, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी, ठीक है, अब ये चीज जब इंटीग्रेट करते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे भी आ रहा है, तो कंपलसरी है कि जो यहाँ पर जो आएगी ना चीज वो इस टी पर डिपेंड करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, ग्राफ से दिख रहा है टी पर डिपेंड कर रही है। टी पर डिपेंड कर रही है मतलब वेलोसिटी जो होगी वो टी होगी या टी स्क्वायर होगी या टी क्यूब होगी, कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन वो जो वेलोसिटी है वो टी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें ना अगर, तो हाँ यहां पे लिख लेना हियर वी इज फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन का मैंने मतलब बता करके रखा हुआ है कि दैट वी डिपेंड्स ऑन टी। जैसे वी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, अगर मान लो बोल देगा कि वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और इंटरग्रेट करो एक्स स्क्वायर डी टी, तो ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है, दिस इज नॉट सेंसिबल क्वेश्चन। यहाँ पे टी ही, यहाँ पे टी आएगा तभी ये इसके इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें अगर इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंस। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, जैसे याद करो अधिकतर ना बच्चे जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब दोनों पढ़ लेते ना तो वो फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों में, ठीक है। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना, तुमको दोनों फॉर्मूले साथ साथ लिख करके रखने हैं ताकि हमको दोनों के दोनों याद रहे। ये n x रेस टू n माइनस वन होता है और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है x रेस टू n प्लस वन बाय n प्लस वन, ठीक है। अभी जैसे मेरे को बताना है इसके आंसर क्या क्या होंगे, एक्स क्यूब डी एक्स का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो n प्लस वन बाय n प्लस वन क्या होगा बताओ मेरे को। सर x अपॉन फोर, ठीक है, बाय बाय थ्री फोर फोर, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा, x रेस टू सिक्स का क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। सर इसका होगा सिक्स पावर एक्स पावर सेवन अपॉन सेवन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा ये देखो, एक तुमको मैं जादू दिखाता हूँ, ठीक है, कितनी खूबसूरत सी चीज है। एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स का पावर फोर बाय फोर। अगर मान लो मैंने इसको, मैंने क्या लिखा अभी कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मान लो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया ना, ये वन बाय फोर बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर फोर का हो जाएगा एन फोर माइनस वन, फोर फोर कट जाएगा, बचेगा एक्स का क्यूब बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, देखो तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब जैसे तुम बोलते थे ना कि सिक्स इंटू टू हो जाएगा ट्वेल्व,
और 12 को मैं अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ तो क्या मिल जाएगा 6, तो वैसे यहाँ पे हो गया। अगर मैंने किसी चीज को इंटीग्रेट कर दिया ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे वापस से पुरानी चीज मिल जाएगी। क्लियर, क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस सर, ठीक है ना। ओके, अभी इसमें क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना। अपने पास दो रूल्स होते हैं ठीक है, दो रूल है, वो हमको रूल को ना थोड़ी प्रैक्टिस कर जानी है। पहला रूल कि उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में क्या था कि मान लो कि अगर ऐसा है सी एक्स रेज टू एन डी एक्स, इसमें क्या कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल दो, सी को बाहर निकाल दो और बचेगा एक्स रेज टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। ठीक है, कांस्टेंट क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब जैसे मान लो बोला जाएगा इंटीग्रेट करो टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, पहले टू को बाहर निकाल दो फिर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का थ्री बाय थ्री, टू एक्स की बात हो जाएगा। आया कि नहीं आया, बोलो आया ना? यस सर, ठीक है ना। अच्छा इसका बताओ आंसर क्या होगा, सर? फोर एक्स पावर फोर अपॉन फोर। ठीक है, अच्छा इसका बताओ, सर सिक्स इंटू एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया, कोई खास नहीं है इस पे। और एक देख लो सेकंड में होता है सम रूल, मतलब अगर मान लो अगर ऐसा होता है जैसे कि अगर u प्लस v dx, इसको हम लिखेंगे अलग अलग करके लिखेंगे। अब जैसे बोला जाएगा कि x स्क्वायर प्लस x क्यूब dx, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, इसको अलग अलग करके लिख कर दो ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, ये एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा, ये एक्स फोर बाय फोर हो जाएगा। आया कि नहीं आया, बोलो? ठीक है ना, अलग अलग खाली इसको नोट कर लेता हूँ। हाँ इसको नोट कर लो, फिर दो तीन प्रैक्टिस करो इस टाइप के, फिर आ जाएगा अच्छे से। सर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पहले मैं थोड़ा सा इजी देता हूँ, इसका बताओ पहले क्या होगा, 5dx, इसका बताओ पहले इंटीग्रेशन क्या होगा सर? इसका होगा 5x x स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे कोई x है कुछ ही ना है? अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा हमने 5, x का पावर 0 ना, चलेगा ये? क्योंकि एनीथिंग रेज टू जीरो तो वन होता है ना, जीरो प्लस वन बाय जीरो प्लस वन, ये हो जाएगा फाइव। यस सर, ठीक है ना। अभी बताओ इसका क्या होगा, सर? सिक्स इंटू एक्स जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, सिक्स एक्स हो जाएगा। इक्वल टू सिक्स, बताओ क्या होगा,
वेक्टर इसका वन सिर्फ एक्स होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा बताओ इसका क्या होगा? सर इसका होगा टू इंटू एक्स dx प्लस dx प्लस वन dx। ठीक है, तो में टू इंटू एक्स एक्स पावर टू भाई अपॉन प्लस एक्स सिर्फ एक्स होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर दो सेकंड रुको ना, नोट कर लेते। हो गया। अच्छा उसके बाद देखो आगे, इसका बताओ क्या होगा आंसर? सर सिक्स एक्स क्यूब सिक्स स्क्वायर डीएक्स क्यूब बाय थ्री। हाँ सिक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस dx x dx बाद में सर सिक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसका बोलो, तो वो सम रूल भी हो गया, वो वाले रूल भी हो गया। ठीक है ना, इसको जरा सॉल्व कर लो।
आया आंसर? सर फर्स्ट सिर्फ एक्स आएगा ना, फर्स्ट के लिए देखो, फर्स्ट के लिए ऐसा लिखेंगे x का पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन बाय एन प्लस वन, ये हो जाएगा x का पावर वन बाय टू बाय वन बाय टू, ऊपर गया और x का पावर वन बाय टू को मैं ले सकता हूँ रूप है, ये आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। इसको खुद से करो तो सर इसका आंसर मेरा है एक्स टू बाई थ्री, एक्स का पावर टू बाई थ्री अपॉन टू बाई थ्री। इसका बोलो क्या होगा? सर इसका सिर्फ एक्स आएगा, एक्स का पावर वन बाय थ्री प्लस वन, ये हो जाएगा फोर बाय थ्री, तो थ्री ऊपर फोर नीचे, आई बात समझ में? हाँ सर। होगा ना ये सर थ्री एक्स टू द पावर फोर बाय थ्री आएगा ना, फोर बाय थ्री। हेलो हाँ वंश, सर हो गया हाँ, क्या बोल रहे हो? सर हो गया, हो गया ना, बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना, अपने को दो रूल्स आ गए, ठीक है, डिफरेंट। अच्छा अब एक सुना ध्यान से, एक चीज और, ये इंटीग्रेशन के बाद ना हम लोग को एक, ये जो है तुम लोग को मैंने इंटीग्रेशन करवाया ना, मैंने ये कहलाता है इनडेफिनिट, जो मैंने अभी सिखाया था वो कौन सा था? इनडेफिनिट, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया ना, ठीक है, वो वाला एक इंटीग्रेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब कौन सा सीखने जा रहे हैं हम लोग? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज और समझना ध्यान से, कभी भी ऐसा बोला जाएगा ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस, तो यहाँ पे एक सी एड कर देता हूँ, सी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट,
फिर ये क्यों लिखा जाता है, ताकि अगर हम इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करें ना तो वापस से यही नंबर आ जाए, क्योंकि तो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक है सर। अब जैसे डेफिनेट का देखो, मान लो कि मैंने बोला कि एक बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रहा है टाइम टी में, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। ये टाइम T1 है लेके टाइम T2 तक, ठीक है। एक समय पे स्टार्ट होता मोशन और चलता चला जाता बॉडी। अब पूछा कि 1 से लेकर के 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी हुआ या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ है। तो 1 से लेके 2 सेकेंड में अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसके लिए हम लोग एरिया निकालते 1 से लेकर के 2 के बीच, ठीक है। अगर हम एरिया निकालते 1 से 2 के बीच में तो उसको कैसा लिखेंगे, बोला जाएगा मान लो ये कर्व है y equals to x square, what is the area covered from 1 to 2, तो मैं उसको ऐसा लिखता हूँ x square dx। कहाँ से स्टार्ट करना, 1 से, कहाँ पे खत्म करना, 2 पे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा x cube by 3 2 1, ठीक है। तो ये मैं x के बदले क्या पुट करूंगा, 2, तो 2 का cube by 3 माइनस x के बदले क्या पुट करूंगा, 1, 1 का क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 बाय 3 का आंसर। ये जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास क्या है एक एक पर्टिकुलर रेंज में हम आंसर निकालते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। यस, ठीक है। अच्छा, इसमें समझना ध्यान से, ये मेरे को क्या देता है, अगर मान लो, सोचो मान लो मैंने क्या किया, मैंने वाई, ये इसका मतलब क्या हुआ पहले वो समझ लो। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, वाई और एक्स, तो मैंने क्या ग्राफ बनाया ऐसे, तो 1 से लेकर के 2 के बीच में मैंने जो, मेरे को जो एरिया मिलेगा ग्राफ पेपर, एक्चुअली देखा ग्राफ पेपर पे जो बॉक्स बने होते हैं ना उससे हम लोग एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है, कितने बॉक्स है। तो सोचो हमने पहले इक्वेशन लिखा, इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, फिर हमने उस ग्राफ पेपर के ब्लॉक से एरिया निकाला, तो जो हमको एरिया मिलेगा ना वो अप्रोक्सीमेटली 7/3 ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, तो आंसर है डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमको एरिया मिलता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो फिर। क्वेश्चन होगा एक्स का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स या एक्स क्यूब डी एक्स, 0 से लेके 1 का निकाला तो वैल्यू क्या आएगा। सर 1/4 जाता हूँ, मैंने बोला देखो x cube plus x cube dx है ना, हम लोग कहाँ से कहाँ तक करें, 0 से 1 करते हैं,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का पावर 4/4, 1 0, 1 का पावर क्या करेंगे हम लोग, x के बदले 1 पुट करेंगे, 1 का पावर 4/1। माइनस फॉर्मूले का होता है, क्यों लगाते हैं पता है, ये पीछे का लॉजिक पता था, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना एरिया में, 0/4 क्या हो जाएगा, 1/4। आगे समझ में, बोलो यस या नो? यस ठीक है ना। अच्छा उस क्वेश्चन और कर, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने x क्यूब का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, तो 0 से लेके 1 का जो हमको एरिया मिलेगा ग्राफ की हेल्प से, वो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लिखो, ये सबको सॉल्व कर लो, तो सारे के सारे निकालो, देखो कहीं पे कोई डाउट होता तो पूछो। सर पहला सॉन्ग एक बार करो ना, पहला का, हाँ पहला का बताओ क्या है, चेक करो, x²/2 1, एक मिनट तो ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट को हम ऐसा लिख सकते, देखो तो इसको देखो, फर्स्ट को हम ऐसा लिखेंगे, x dx 0 से 1 प्लस x²dx 0 से 1, ये हो जाएगा x dx, हो जाएगा x²/2, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? यस सर, ना ऐसा लिख दिया। अब देखो तो x के बदले 1 आएगा, 1 का square by 2 दैट इज 1/2 माइनस 0 प्लस 1³/3 दैट इज 1/3 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 दैट इज 6, 5/6 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यस हम इसकी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करो फिर से,
आंसर आया? सर रुको कर रहा हूँ। सर मेरा 57/7। चलो देख लेते एक बार, एक्स स्क्वायर डी एक्स टू से थ्री प्लस डी एक्स टू से थ्री लो जगह एक्स क्यूब बाय थ्री थ्री टू लो जगह एक्स थ्री टू क्वेश्चन हटा रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरा थ्री थ्री नाइन से 27/3 माइनस 8/3 प्लस ये हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। ये हो जाएगा मेरा 19/3 प्लस 1 दैट इज 3 22/3। तो कहां पे तुम्हारे कोई मिस्टेक हुई है क्या? हाँ सर मिल गई। अच्छा ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, अभी फोर्थ वाला कर सकते हो खुद से करो। हाँ सर करता हूँ। सर इसका तो 5 ही आएगा ना। इसका 5 होगा आंसर, सही है ना। तो इसका करो तो सर आपने थर्ड में ना इंटीग्रेशन बिटवीन 2 और 3 पूछा था, 1 और 2 नहीं, 2 नीचे और 3 ऊपर। ठीक है वैसा कर लो। आंसर 2√3 - 2√2 आ रहा है। ओके 1/2√x हो जाएगा ये। थ्री से टू
वन बाई टू रूट एक्स क्यूब। ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा ना, तो माइनस है यहाँ, ये हो जाएगा एम प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स का पावर वन बाई टू बाय वन बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, टू रूट एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है ना, अभी क्या करेंगे हम लोग, एक्स के बदले पुट कर देते थ्री। अब तो आपने जो सॉल्व किया वही ब्रैकेट मिलेंगे ना, टू एक्स पावर हाफ। हाँ यही देखो आ रहा है ना, तो टू रूट एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे टू रूट एक्स होगा ऐसा। अभी क्या करेंगे, रूट एक्स की ऑपोजिट एक्स ही लिया है, टू इनटू एक्स पावर हाफ। हाँ तो एक्स का पावर हाफ तो रूट एक्स होता है, तो सर रूट ही लेंगे डायरेक्ट। हाँ तो रूट ली तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है इसको, मैं टू रूट एक्स तो लिख ही सकता हूँ। हाफ मतलब क्या होता सेम ही आंसर है? हाँ सेम ही होता है, एक्स का पावर वन बाय टू का मतलब क्या होता है, रूट एक्स तो होता है। हाँ सर मेरा भी वही आ रहा है, टू रूट थ्री माइनस टू रूट टू। हाँ तो टू को बाहर ले लो, बाकी ये रूट थ्री माइनस टू। तो एक चीज और याद रखना, शॉर्टकट क्या होता है, कभी भी इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कांस्टेंट अगर आता है ना तो उसको बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर लेके करो या अंदर रख के करो, बात आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने इसको बाहर रख दिया टू को, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये टू रूट रूट थ्री माइनस रूट टू। आया कि नहीं आया समझ, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद इसमें इतना हो गया। चलो आज के लिए ना काफी इतना, ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग ये करेंगे इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, अभी करवाने जाऊंगा ना तो कम से कम उसमें मेरे को आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताया था तो वो फॉर्मूलाज को ना एज इट इज याद कर जाना। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज है देखो, इसको याद कर जाना, पांच छह ज्यादा कुछ नहीं, जितना काम होता है फिजिक्स में उतना ही बता रहा हूँ मैं। सर ये आपने लिखवाया है। अच्छा तो एक चीज इस पे क्या याद करोगे, जैसे अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स हो जाता है वन बाय एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स हो जाता है ई रेज टू एक्स। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा ये तुमको ना, और वन बाय, और याद रखना जो मैंने फॉर्मूला बताया ना अभी पीछे में कि एक्स रेज टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ये किसका था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का था। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना कि n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अगर n माइनस वन हो जाएगा तो वन बाय एक्स का हो जाता है लॉग ई एक्स हो जाता है। क्लियर हो की बात? यस ओके। ये मुश्किल से पांच छह, एक्चुअली देखा जाए तो फॉर्मूलाज और भी होते हैं, sec x का भी होता है, cos x का भी होता है, cot x का भी होता है, लेकिन मैं बताऊं फिजिक्स में हमारे जो सामने जो क्वेश्चन आते हैं साइन या कॉस या लॉग या ये पांच मिनट काम में आते हैं पढ़ने, और मेनली 90% केस में तो ये वाला यूज होता है। ठीक है, बाकी देखा जाए मैथ्स में तो बहुत बहुत डेप्थ में होती है ये सब चीजें, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमारे जितने काम के मैंने बता दिए। ठीक है, और फिजिक्स में जितना कंसेप्ट चाहिए होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, उतना मैंने एक इंटीग्रेशन का मैं बाय सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, उसके बाद तुम फिजिक्स में कहीं पर भी आकर के ये कैलकुलस में आकर के फंसोगे।
मतलब कभी भी कोई बच्चे पता है कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जब क्वेश्चन आते हैं ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, तो बच्चे वहां पे आके अटक जाते हैं। तुम मैं गारंटी लेता हूँ तुम कहीं पे आके अटकोगे। मान लो कोई चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है, उसकी कंसेप्ट नहीं आ रहे, तो अटक जाओगे, लेकिन इस टॉपिक को लेके कहीं पे नहीं अटकोगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है ना, इतना तुम अच्छे से कर जाना तुमको। ठीक है, ये सब इसके रेसिप्रोकल याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम हो चुका हुआ है, चेन रूल आता ही है, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन हो गया हुआ है। ठीक है, ये सब इतना कर लो। उसके बाद ना मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का बैच सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा और थोड़े बहुत उस पर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। फिर हम लोग का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से आईआईटी में लगभग हर साल 2 से 3 सवाल आते हैं। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना। बाय, टेक केयर।